खाडाक न्यूज जी हाँ नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, बड़ौदा में हुड्डा और खट्टर के बीच नहीं, जनता और सरकार के बीच है मुकाबला। कृपया वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, आगे भी इसी तरह की वीडियो की जानकारी लेते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली सभी अपडेट आप तक पहुंच सकेंगे। बड़ौदा में लगातार प्रचार में जुटे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये उपचुनाव कांग्रेस और भाजपा या हुड्डा और खट्टर के बीच नहीं, बल्कि जनता और सरकार के बीच है। सत्ता के नशे में चूर सरकार से मुकाबले में जनता की जीत तय है। सांसद दीपेंद्र का कहना है कि सत्ता पक्ष के मंत्रियों के हर वाक्य में घमंड झलकता है। बड़ौदा में जनता के बीच पहुंच रहे मंत्री स्पष्ट कहते हैं कि इस एक सीट से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग वोट भी ऐसी मांग रहे हैं मानो जनता पर एहसान कर रहे। बड़ौदा की जनता और उनके वोट के इस तिरस्कार का बदला लोग चुनाव में वोट की चोट से देंगे। आज हर वर्ग इस सरकार से दुखी है और इसे सबक सिखाने के लिए उपचुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसलिए खुद के घमंड की वजह से सत्ताधारी गठबंधन चुनाव से पहले ही नैतिक तौर पर हार मान चुकी है, क्योंकि घमंड आदमी का वो दुश्मन है जो भीतर बैठकर वार करता है। बड़ौदा दौरे पर आए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हल्के के 8 गांवों का दौरा किया और उन्होंने कहा कि 6 साल तक खट्टर सरकार ने बड़ौदा को हरियाणा का हिस्सा नहीं माना, लेकिन हरियाणा बड़ौदा का अपना हिस्सा मानता है। इसलिए आज पूरा हरियाणा बड़ौदा की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहा है। आज पूरे हरियाणा के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलने, धान और फसल बीमा जैसे घोटालों से परेशान है। वो पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाले 3 नए कृषि अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। वो किसान चाहते हैं कि बड़ौदावासी उपचुनाव में इस सरकार को बताए कि उसकी नीतियों से हम खुश नहीं हैं। हरियाणा का जो युवा पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनका रोजगार छीनने का बदला बड़ौदा के लोग खट्टर दुष्यंत सरकार से ले। जिन 1,00,000 जेबीटी और एचटेट पास नौजवानों को खट्टर सरकार ने 6 साल में एक भी नौकरी नहीं दी, उनके परिवार भी इंसाफ के लिए बड़ौदा की तरफ देख रहे हैं। जिन कच्चे कर्मचारियों को रोज नौकरियों से हटाया जा रहा है, उनके परिवार कह रहे हैं कि बड़ौदा उनकी रोजी रोटी छीनने वालों से सत्ता छीनने का काम करें। 10 साल बाद नौकरी से हटाए गए 1983 पीटीआई टीचर हो या ग्रुप डी के 1536 कर्मचारी, उनके परिवार भी आज बड़ौदा से ऐसी ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने पीटीआई से लेकर उन्हें एक बार फिर पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया। ये थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो बड़ौदा के चुनाव को लेकर 8 गांव का दौरा किया और वहां पर जनता को बताया कि यह हुड्डा और खट्टर सरकार के बीच का चुनाव नहीं है, ये जनता और सरकार के बीच का चुनाव है, मुकाबला है। बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।